हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं देखिए यहाँ पे मैं काट रही हूँ पत्ता गोभी और इस तरह से ना थोड़ा सा इसको बारी काटेंगे तो अच्छा रहता है तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर कैसे हो आप सब आई होप अच्छे होंगे भाई अब तो सर्दी भी थोड़ी थोड़ी सी कम हो रही है अगर बारिश नहीं हुई तो कम हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में इसमें मैं तड़का लगाऊंगी सिंपल तरीके से है जैसे मैं बनाती हूँ अपना ब्लॉग और आप लोग भी देखिए धुआं धुआं सा बहुत रहता है क्योंकि यहाँ पे आग जली होती है मतलब चूल्हे में तो थोड़ा सा इसमें तड़के का जो भी ये रहता है तो वो भी आता है धुआं और नीचे से भी धुआं लगता है इस तरह से अच्छे से नहीं दिखती इसके लिए सॉरी और यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी ऐड कर दी तो पत्ता गोभी ना जितना बारी काटते हैं उतना अच्छा रहता है अच्छी सब्ज़ी बनती है मतलब तो देखिए आप लोग ये डाल दी मैंने सब्जी इसमें तो आप लोगों को मैंने ऐसे ही मतलब रेसिपी तो नहीं ये रेसिपी क्या है मतलब ये तो सब बनाते हैं बस अपना ब्लॉग तैयार किया है तो वही आप लोगों के साथ शेयर किया है तो देखिए अच्छे से हमारी सब्ज़ी बन गई थी और मैं ना इसी कढ़ाई में बनाती हूँ मेरे को इस इस वाली कढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है सब्जी ये मतलब डॉक्टर लोग भी बोलते हैं और फिर चले गए थे हम कहा गोबर फेंकने तो हमारे थोड़ा बहुत गोबर रहा था इतने दिन इसमें बगीचे में लकड़ी से पूरा वो था ख़राब था तो नहीं फेंक पाए तो अब हमने इसमें गोबर फेंकना है हस्बैंड भी आए थे तो सोचा कि जल्दी जल्दी हो जाएगा तो ये दोनों किल्टे भर रहे हैं और हम दोनों फेंक रहे हैं मैं और बेटी फेंक रहे थे तो इस तरह से रहते हैं हमारे गांव के काम जो भी रहते हैं थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है तो फिर आ गए थे हम घर घर में थोड़े बहुत कपड़े थे और नहा धो के मैं फ्रेश और रहता है ना मतलब धूल मिट्टी तो मैंने सुचा नहा लेते हैं और कपड़े धो लेते हैं तो अंशु वगैरह भी सारे नहा गए थे हस्बैंड चले गए थे तो हम कपड़े रहे अभी थोड़ी सी धूप थी यहाँ पे तो धूप में अच्छा लगता है कपड़े मतलब जल्दी जल्दी से धो लें तो मतलब पानी भी उतना ठंडा नहीं लगता वैसे तो गर्म करना पड़ता है थोड़ा गुनगुना सा धोने के लिए भी तो वो सब यहाँ पे चल रहा था तो फिर कपड़े वपड़े धो के हम मतलब मैं किच मैं हम नहीं मैं किचन चले गई थी और किचन में मैंने सोचा चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ क्योंकि चूल्हा बहुत गंदा सा लग रहा था तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम चूल्हे की लिपाई करते हैं अगर कहीं से थोड़ा सा फटी होगी तो इसमें हम मिट्टी लगा लेते हैं तो ऐसे हमारे चूल्हे की लिपाई होती सिर्फ चूल्हे की की है फ़र्श की नहीं की मैंने लिपाई क्योंकि फर्श मैंने अभी की थी शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया तो चूल्हा बहुत गंदा सा रहता है ना चूल्हे की जल्दी जल्दी कर लेती हूँ फर्श उतना गंदा नहीं रहता क्योंकि फ़र्श में ये मैट वगैरह भी अच्छी होती हैं जो हमारी चटाई होते हैं नीचे बिछाने के लिए देखिए आगे से ना थोड़ी सी मतलब फटी होती है क्योंकि आगे से लकड़ियाँ डालती हैं तो लकड़ियों से थोड़ा सा हो जाता है इसमें तो लकड़ियों यहाँ से थोड़ा ज़्यादा मिट्टी लगानी पड़ती है तो यहाँ पे मैं मिट्टी लगा रही थी तो बेटा वीडियो बना रहा है और आ, पता नहीं कैसे बना रहा है उसने मतलब अच्छे से नहीं बनाना आता इसको यहाँ पे साइड में शो बना रही है मतलब चपाती बना रही क्योंकि ये वाले भैया कटिंग करने आए थे नहीं तो नहीं नहीं फिर नहीं 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 इनको भी खाने भी के लिए खाना ले गई थी मैं चाय भी ले गई थी और फिर कटिंग करने के कटिंग को कटिंग वालों को खाना दे मैं चली गई थी जंगल ये देखिए मैं फिर जंगल चली गई थी घास को तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना तो व्यू बहुत प्यारा सा था ये देखिए ये है मेरा भारा तो मैं तो घर चली और दो जने और थे वो आगे निकल गए थे मेरे से थोड़ा क्योंकि वो ऊपर को थे मैं थोड़ा नीचे को थी तो देखिए सामने का व्यू बहुत प्यारा है तो देखिए थोड़ी थोड़ी सी धूप है इधर उधर हमारे साइड नहीं है तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना